भाई ये कौन था जो मैडम को ऐसे थप्पड़ मार के चला गया? इसको तो मैं बताता हूँ। मैडम आप बोतल पकड़िए, मैं अभी आता हूँ। मैम कौन हो तुम? मैम जिसने आपको अभी चांटा मारा ना, वो मेरा ही दोस्त था और मैंने ही उसे बोला था आपको चांटा मारने के लिए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्त ने किसके ऊपर हाथ उठाया है और तुम्हारी इस गलती की वजह से क्या हो सकता है तुम्हारे साथ? देखिए मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो कुछ भी किया उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैम इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी वजह है। वजह? कैसी वजह? दरअसल मैम जो लोग आपके साथ खड़े थे ना, वो लोग आपको मारना चाहते हैं। उन्होंने आपके पानी में जहर मिलाया, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बकवास करे जा रही हो तुम? तुम्हें पता है वो दोनों मेरे वफादार हैं, उसमें से एक मेरा पीए और दूसरा मेरा होम गार्ड है, भला उनको क्या जरूरत पड़ेगी ये सब करने की? और वैसे भी मैं तुम्हारी बातों पे क्यों ट्रस्ट करूं? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैम मुझे पता था कि आप मेरी बातों का विश्वास नहीं करोगी, इसीलिए मैंने प्रूफ के तौर पे वीडियो बनाई है, ये देखिए। अरे यार शिवम मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, इस आईएएस के चक्कर में ना कितने टाइम से घूस नहीं लिया मैंने यार, जेब खाली हो गई, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ भाई सही बोल रहा है, मैडम बहुत परेशान कर रही है। यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसको तो ठिकाने लगाना पड़ेगा। हम कर भी क्या सकते हैं, मैडम बहुत बड़ी पोस्ट पे है। मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? मैं सो भी कुछ करना है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये देख भाई ये क्या है? जहर। जहर? सुन इस जहर को ना हम इस पानी में मिलाएंगे और ये पानी पिला देंगे मैडम को, उसके बाद मैडम सीधा। भाई अगर किसी को पता चल गया तो हम जेल भी जा सकते हैं। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, घबरा मत, इसको पीने के बाद ना मैडम हार्ट अटैक से मरेगी और जब वो मरेगी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आएगा कि ये हार्ट अटैक से मरी है, हम दोनों पे किसी का शक नहीं जाएगा, तू टेंशन मत ले, घबरा मत, फटाफट से ये बोतल खोल, ज्यादा सोच मत। ठीक है भाई ये ले, जल्दी कर आने वाली है वो। देखा मैम अब तो आपको मेरी बात पर विश्वास हुआ ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा तुम एक मेरा छोटा सा काम करोगी? जी मैम। क्या हुआ, पकड़ा गया क्या वो? नहीं मैडम वो बहुत तेज निकला, मेरे हाथों से निकल गया, पर आप टेंशन मत लीजिए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैडम मैंने तो उसकी शक्ल भी देख ली है, छोड़ूंगा नहीं उस बदतमीज को मैं। कोई बात नहीं वैसे भी बच के जाएगा कहाँ, एक काम करो आप लोग पानी पियो, बहुत थक गए हो ना। अरे मैडम अब ये पानी हम लोग कैसे पी सकते हैं? नहीं नहीं मैडम ये पानी हम कैसे पी सकते हैं, ये पानी तो आपका है ना मैडम, हमें अपनी नौकरी प्यारी है, हम नहीं पी सकते ये पानी। कैसी बातें कर रहे हो, आप लोग पसीने में तरबतर हो रहे हो, पानी पियोगे तो रिलीफ मिलेगा, लो पानी पियो। अरे नहीं नहीं मैडम ये पानी मुझे नहीं पीना, मुझे प्यास नहीं है, आप एक काम कीजिए आप इसको पिला दीजिए। नहीं नहीं मैडम मुझे भी नहीं पीना है पानी, देख रहे हो गर्मी कितनी होगी, अब पसीने आ रहे हैं, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे इतने सोचने वाली क्या बात है, मेरी बॉटल तुम्हारी बॉटल क्या ही फर्क पड़ता है, पानी तो पानी होता है, लो जल्दी पानी पियो। नहीं नहीं मैडम मुझे तो पानी नहीं पीना, इससे पूछ लो। नहीं नहीं मैडम मुझे भी नहीं पीना, मेरे को तो खांसी हो रही है। हाँ क्यों पियोगे तुम दोनों पानी, क्योंकि इस पानी में तुम दोनों ने जहर जो मिलाया हुआ है। मैडम आप ये कैसी बात कर रही हैं, इस पानी में जहर कौन मिलाएगा? हाँ मैडम अब ये सही कह रहा है, आप कैसी बात कर रहे हो, हमने कोई जहर वहर नहीं मिलाया। बस करो नाटक मत करो, तुम दोनों की सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ चुकी है और तब भी झूठ बोल रहे हो तुम लोग। मैडम रुक, हाँ मिलाया जहर, कुछ कर सकती हो हमारा? अरे तुषार तू ये क्या बोल रहा है, तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे यार शिवम तू डरता क्यों है यार, तू डर मत और कुछ नहीं कर पाएगी हमारा, समझा? और वैसे भी तुझे पता है ना कि इतने टाइम से हमारा काम कितना मंदा चल रहा है, अरे घूस नहीं ले पा रहे हैं खुल के सिर्फ इसकी वजह से। और मैडम आप, कानून मांगता है सबूत और आपके पास ना कोई सबूत है नहीं कि हम लोगों ने इसमें जहर मिलाया, समझे? और हम दोनों ना आपके यहाँ पे परमानेंट है, तो रो के धो के आपको हमारे साथ ही काम करना पड़ेगा। हाँ भाई ये तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, मैडम कानून मांगता है सबूत, आपके पास कोई सबूत नहीं है, मैं आपकी वजह से बहुत परेशान हो गया हूँ, दो नंबर का पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, इसकी वजह से मेरी बीवी मायके चली गई है। शर्म नहीं आती तुम दोनों को, सरकारी ऑफिसर्स होके लोगों से घूस लेते हो, सरकार तुम्हें पेमेंट नहीं दे रही क्या? हमारा काम है देश की सेवा करना और तुम लोग क्या करते हो, तुम लोगों से करप्शन लेते हो।
तुम लोग ना ऐसे नहीं मानोगे, तुम दोनों को तो सजा मैं दिला के रहूंगी, कड़क से कड़क धारा लगवाऊंगी। और सही कहा तुम दोनों ने, सबूत तो मांगते ही है कानून, कोई भी सजा तो तभी मिलेगी ना जब तुम्हारा क्राइम प्रूव होगा, और इसके लिए सबूत तो चाहिए मुझे, तभी तो कोई कड़ी धारा लगेगी तुम लोगों के ऊपर। तो वो रहा सबूत, वहां देखो, देखा तुम दोनों की ना वीडियो बन रही है। अच्छा रहा कि तुमने अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल कर लिया, सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। अब बहुत इजीली जो भी तुमने किया है ना वो कोर्ट में प्रूव हो जाएगा, अब तो कोई नहीं बचा सकता तुम दोनों को। नहीं नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब प्लान इसी का था। अरे नहीं नहीं मैडम, ये झूठ बोल रहा है, ये सारा आइडिया इसी का था, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मेरे घर में तो सब कुछ सही चल रहा है। मैडम प्लीज माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, इसी ने किया सब कुछ। अरे बस करो, तुम दोनों बेवकूफ हो क्या, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है? दोनों ने जब ये काम किया था इससे करने से पहले नहीं सोचा था क्या नतीजा होगा इसका? मैडम हटो मेरे रास्ते से।